समाजवादी पार्टी के दावा नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो है इसी जो है कोर्ट परिसर में जो है पेश होने वाले हैं। सीतापुर जेल से आजम खान चल चुके हैं और वहीं हरदोई से अब्दुल्ला आजम, कड़ी सुरक्षा जो है इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कोर्ट तक पुलिस फोर्स लगाई गई है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनाती है यूपी पुलिस की। इसके अलावा लोगों को चेक किया जा रहा है। आपको बता दें दो जन प्रमाण पत्र मामले में आजम खान ने जो है अपील जो है की थी, जिसमें उनके वकील ने अपील जो है यहाँ पर कोर्ट में लगाई थी, हालांकि आज उसमें भी जजमेंट आने वाला है। वहीं पड़ोसी से जो है मारपीट मामले में जो है उसमें भी जो है आज आजम खान को जो है जजमेंट आने वाला है। तो कुछ ही देर में जजमेंट होगा, क्योंकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम कुछ कोर्ट में पेश होने वाले हैं, उसके बाद दोनों पर जो है जजमेंट लिया जाएगा। आपको बता दें आजम खान जो आपको 7 साल की जो सजा जिनको हुई थी उसी में जो है अपील उनको लगाई गई है। हालांकि इस मामले में बता दें आपको लगातार आजम खान के ऊपर कई ऐसे गंभीर मुकदमे हैं जिसमें गंभीर धाराओं में जो है यहाँ अभी जो है कोर्ट में वो मामले चल रहे हैं। आपको बता दें दो जन प्रमाण पत्र और पासपोर्ट दो जो है उस मामले में भी जो है यहाँ पर सुनवाई लगातार चल रही है। मगर सवाल ये है कि आजम खान को लगातार जो है टारगेट किया गया था उनके विपक्ष द्वारा, क्या उसमें कामयाबी विपक्ष को मिल चुकी है? क्योंकि आजम खान अभी भी जेल में हैं और उनकी तबीयत खराब होने का जो है उनके वकील द्वारा मेडिकल लगाया गया था, उसके बावजूद भी उनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसके जरिए उनको जो है उनकी जो पेशी होती थी, मगर अब सीधा रामपुर में जो है पेशी हो रही है। तो कुल मिला के आज आजम खान पर फिर फैसला आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।